हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइनीज मेनू। आज मैं आपके लिए क्विक और इजी चिकन स्टार्टर्स लेकर आई हूँ। चिकन सॉसेज पॉप्स बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और विद इन 5 मिनट्स आप इसको बना सकते हैं। अचानक से अगर गेस्ट वगैरह आ जाए तो आप उन्हें भी सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो जरूर उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं चिकन सॉसेज पॉप्स। तो देखिए, यहाँ पर सॉसेज पॉप्स बनाने के लिए मैंने 6 चिकन सॉसेज लिए हैं। ये फ्रोजन है, अगर आप भी फ्रोजन ले रहे हैं तो आप उसको 15-20 मिनट पहले अपने फ्रीज़र से बाहर निकाल के रख लिएगा तो बहुत आसानी से वो कट हो जाएंगे। अब मैं इसको कट कर रही हूँ, तो देखिए मैं इस साइज़ में कट कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इन्हें छोटा या बड़ा अपनी इच्छा के अनुसार कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सॉसेज के 4 पीस किए हैं, आप चाहें तो 5 या फिर 6 भी कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा ज़्यादा बड़े मत कट करिएगा। तो यहाँ पर अभी मैं सारे सॉसेज को ऐसे कट करके रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सारे सॉसेज को कट करके रेडी कर लिया है। तो अब आपको क्या करना है कि एक पीस लीजिए और उसमें ऐसे टूथपिक को इंसर्ट करिए। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान होता है इसे इंसर्ट करना। ऐसे बीच में आप थोड़ा सा अंदर डाल के इसको ऐसे प्लेट में अरेंज करते जाइए। टूथपिक लगाने से क्या होगा ना, आपको खाने में भी थोड़ा ईजी रहता है, हाथ ज़्यादा मैसी नहीं होते। दूसरी बात, फ्राई होकर भी ये आराम से आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी सारे सॉसेज के अंदर ये टूथपिक लगा के रेडी कर लेती हूँ। बहुत इजी है ये, आप 5 मिनट के अंदर ये स्टार्टर बना सकते हैं, इतना क्विक ये स्टार्टर है। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ रेडी हो गया, तो चलिए अब इसका बैटर रेडी करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून मैदा लिया है। ये इसके अंदर अब मैं 1 टीस्पून शुगर डाल रही हूँ। यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने शुगर डाल दिया है, नमक स्वाद के अनुसार या फिर 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम ऐसे डालिएगा आप। नमक स्वाद के अनुसार डालना है, ज़्यादा नमक मत डालिएगा। अब मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी। तो ये बेकिंग पाउडर है, जब ये फ्राई होकर आएंगे ना बहुत अच्छी तरह फूल जाते हैं ये, इनको बहुत अच्छी तरह आपको मिक्स करना है। अब मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून लाल मिर्च डाल रही हूँ। लाल मिर्च की जगह आप ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर पेपरिका भी डाल सकते हैं आप। इसको अच्छी तरीके से मिलाइए, देखिए, ताकि सारा जो पाउडर है अच्छी तरह इवनली मिक्स हो जाए। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया है, उसको भी हम इसमें ब्रेक करके डाल देंगे। अंडे से बहुत अच्छा एक बैटर बनेगा आपका इस सॉसेज का। उसी के साथ मैं यहाँ पर अभी 1/2 कप मैंने दूध लिया है, उसमें से थोड़ा सा दूध डाला है और अब हमें इसका एक बैटर रेडी करना है, अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसका बैटर का कंसिस्टेंसी जैसे हम लोग का दोशे का बैटर होता है या फिर पैन केक का बैटर होता है, वैसा बैटर बनाना है। मींस ज़्यादा पतला बैटर मत बनाइएगा, अगर आप पतला बैटर बनाएंगे तो ये हमारे सॉसेज में चिपकेगा ही नहीं ये बैटर। तो उसी हिसाब से ध्यान रखिएगा, एक साथ सारा दूध मत डालिएगा, थोड़ा सा दूध डाल के अच्छी तरह मिला के सारा लम्स वगैरह ख़त्म करके फिर अगर आपको लग रहा है कि दूध डालना है, बैटर बहुत सारा गाढ़ा है, देन यू कैन ऐड इट। तो देखें यहाँ पर मैं अभी अच्छी तरह मिला रही हूँ और यहाँ पर जो लम्स है ज़्यादातर ख़त्म हो गए हैं। अभी आप देखिए इसका बैटर कितना थिक है, तो इसको मैं अच्छी तरीके से मिला रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1/4 कप मिल्क लिया है, उसके साथ मैंने अंडा भी लिया है, तो मेरे को काफ़ी सफिशियंट है ये अभी मेरा बैटर बनाने के लिए। बट हो सकता है आप जिस टाइप का फ्लावर ले रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आने के चांसेस हो सकते हैं मिल्क की क्वांटिटी में। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो बैटर है वो रेडी हो गया है। यहाँ पर मैंने ये एक सूखा मैदा लिया है 1 टेबलस्पून उसको। तो यहाँ पर अभी सब कुछ रेडी है, तो चलिए अब हम लोग अपने सॉसेज को फ्राई करना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक पैन में तेल लिया है, ज़्यादा डीप फ्राई मत करिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने सब कुछ अरेंज करके रखा है, टिश्यू पेपर वगैरह सब कुछ। तो देखिए अब आपको क्या करना है कि आपको अभी सूखा मैदा लेना है, ड्राई फ्लावर जो मैंने आपको दिखाया उसमें आपको अपना एक पॉप स्टिक ऐसे मिक्स करना है। ऐसे करने से क्या होगा ना, जो कोटिंग होगा ना बहुत अच्छी तरीके से हमारे सॉसेज के ऊपर पकड़ेगा, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी जो हमने बैटर बनाया है उसमें हमें इसको डिप करना है। देखिए कैसे मैं डिप कर रही हूँ,
अच्छी तरीके से आपको हर जगह से इसको ऐसे डिप करना है और एक्सेस आपको निकाल के बस आपके गरम तेल में इसको डाल देना है। जो तेल है आपका मीडियम पे गरम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी ये 3-4 डाल दिए हैं, इनको फ्राई करना है। बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगा ये, कम से कम आपको इसको 3-4 मिनट लगेगा अच्छी तरीके से फ्राई करके निकालने में। तो देखिए बहुत जल्दी कुक होकर मिल जाएगा इसको, कम से कम 3-4 मिनट लगेगा मीडियम फ्लेम पे कुक होने में, क्योंकि इसमें सॉसेज ऑलरेडी कुक्ड है, बस हमें वो जो बाहर का जो कोटिंग है मैदे का उसको कुक करना है। तो यहाँ पर देखिए मेरा एक बैच रेडी हो गया है, तो मैं अब इसको तेल से निकाल रही हूँ। अब इसी तरीके से मैं बाकी सारे फ्राई कर लूँगी, तो है ना, बस कुछ नहीं है, इतना ईजी ये एक सॉसेज पॉप्स है। आप आराम से इसको 5 मिनट के अंदर ही अंदर बना सकते हैं और खाने में इतने टेस्टी होते हैं, आप किसी भी डिपिंग के साथ इसको खाइए, मायनीज के साथ खाइए, सॉस के साथ खाइए, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में स्टार्टर्स की तरह। तो जिन लोग को चिकन वगैरह सॉसेज वगैरह पसंद होता है उनके लिए की डिफरेंट रेसिपी है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो आप सब लोग इसे ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए अब बाकी बचे हुए सॉसेज पॉप्स भी मैं फ्राई करके निकाल लेती हूँ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है ना, तो ज़रूर उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर बना के देखिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपने फीडबैक्स मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बिल्कुल भी भूलिएगा मत। उसके जस्ट अपोजिट एक बेल आइकन है, उसे भी क्लिक करेंगे ना तो मैं जितनी भी रेसिपीज़ डालती हूँ ना उन सबका नोटिफिकेशन आपको आएगा। तो चलिए अगली आसान सी और बढ़िया सी रेसिपी के साथ आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।